तो दोस्तों कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि इसे अपना ही घर समझो, या फिर इसे अपना ही काम समझो, या फिर कई बार ऐसे भी बोलते सुना होगा बड़े बूढ़ों को, या फिर आपसे आपके पापा की उम्र के जो लोग हैं, कि इसे अपना ही बच्चा समझो। तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है थिंक ऑफ इट, और उसके बाद आपको प्लस लगाकर यूज करना है एज यूअर ऑन, और उसके बाद में जो मैंने डैश लगाया है इसमें आपको वो वस्तु या फिर वो ऑब्जेक्ट आपको लिखना है जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। यदि आप किसी बच्चे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि इसे अपना ही बच्चा समझो, तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में किड या फिर चाइल्ड जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आपको लिख देना है। तो चलिए मैं आपको एक दो सेंटेंसेस के देता हूँ, जैसे कि इसे अपना ही घर समझो, तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, थिंक ऑफ इट एज यूर ऑन हाउस या फिर होम। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, इसे अपना ही काम समझो, थिंक ऑफ इट एज यूर ऑन वर्क। तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसे अपना ही मोबाइल समझो, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, थैंक यू। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे ऐसे सेंटेंसेस की ईबुक को परचेज नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए।